कोई भी प्रोडक्ट, ज्वेलरी, गैजेट्स, शोपीस, सनग्लास या वॉच और भी अट्रैक्टिंग बन जाता है जब आप इसे डिफरेंट एंगल में रोटेट हुए दिखते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नासिम मुखर्जी और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 24/7 ईमॉल रोटिंग डिस्प्ले स्टैंड शानदार रेटिंग के साथ amazon.in पे कीमत ओनली 1599 रुपीज़। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ टर्नेबल रोटिंग डिस्प्लेइंग स्टैंड अनबॉक्सिंग रिव्यू डेमो डिटेल। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों या मित्रों के साथ अपना वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। द कम्प्लीट रिव्यू ऑफ 360 बाई डायरेक्शनल रोटेबल डिस्प्ले स्टैंड। दोस्तों, मैंने amazon.in से इसे परचेज किया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से प्रोडक्ट क्वालिटी चेक कर सकते हो। 360 टर्नेबल स्टैंड, फिलहाल इसे करते हैं अनबॉक्सिंग। इन द बॉक्स आपको मिलता है एक रोटेटिंग स्टैंड, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल, यूजर मैनुअल, ड्यूरेबल एबीएस बॉडी, अर्गोनॉमिक स्मार्ट डिजाइन, वेलवेट टॉप फिनिश, व्हाइट कलर। देखने में यह फोटोग्राफी स्टैंड कमाल का है। कॉम्पैक्ट साइज 20 सेंटीमीटर डायमीटर, 4 सेंटीमीटर डेप्थ है इसका। वेज ओनली 326 ग्राम्स। मल्टीपल पावर सप्लाई मोड्स इस डिस्प्ले मशीन का खासियत है। दिया गया है 2.0 माइक्रो यूएसबी पोर्ट, आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, पावर बैंक, वॉल चार्जर इसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल पावर बैंक से कनेक्ट करके मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। यूएसबी इंटरफेस के अलावा बैटरी कंपार्टमेंट में डाल सकते हो। थ्री डबल साइज अल्कलाइन बैटरीज, पर मैं प्रिफर करूंगा 3.7 वोल्ट 18650 का लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी। इस बैटरी का कैपेसिटी है 2000 mAh, रिचार्जेबल है, इसलिए बार बार आप इसे रियूज कर सकते हो। फिलहाल बैटरी कंपार्टमेंट में मैं इसे डाल दिया। तो इसे चलाने के लिए काफी सारे ऑप्शन आपको मिल रहा है। बैटरी रिचार्जेबल है, इसलिए आप इसे चार्ज भी कर सकते हो। आप देख सकते हो चार्ज शुरू हो चुका है, इंडिकेटर लाइट ब्लिंकिंग मोड में है। फुल चार्ज होने के बाद यह ब्लिंकिंग मोड फिक्स हो जाता है। फिलहाल इसे करते हैं डिस्कनेक्ट। अब सबसे अहम सवाल, हाउ टू ऑपरेट। 3 टाइप्स ऑफ बटन और स्विच यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑन ऑफ, मोड एंड एडजस्ट। स्टेप 1, रेड मोड पे एडजस्ट बटन दबा के सर्कुलेशन स्पीड को कम या ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे। स्टेप 2, बीच वाले बटन को दबाते ही ग्रीन इंडिकेशन शो हो रहा है, अब लास्ट वाले एडजस्ट बटन दबाओ, सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस तरह सर्कुलेशन चेंज कर सकते हो। मेरे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन पसंद है, इसलिए मैं इसे दोबारा प्रेस करूंगा। स्टेप 3, बीच वाले बटन को और एक बार दबाते ही इंडिकेटर ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एडजस्ट बटन दबाओ और एंगल सर्कुलेशन एडजस्ट करो, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। इस तरीके से आप घुमाव को नियंत्रित कर सकते हो। ये आप पे निर्भर करता है, आप अपने डिस्प्ले आइटम को किस एंगल पे दिखाना चाहते हो। 24/7 ईमॉल रोटेटिंग डिस्प्ले स्टैंड का लोड कैपेसिटी मैक्सिमम 4 kg, नॉइस बिल्कुल ना के बराबर, घूर्णन के समय रोटेशन बहुत ही स्टेबल रहता है।
इसे जैक फ्री वीडियो शूट आप आसानी से कर पाओगे। अगर आप ज्वेलरी शोरूम चलाते हो तो एक डिस्प्ले स्टैंड का अहमियत भलीभांति जानते होंगे। प्रोडक्ट रिलेटेड बेसिकली गैजेट्स के ऊपर आप काम करते हो, खासकर प्रोफेशनल यूट्यूबर के लिए 360 रोटेबल स्टैंड का अहमियत बहुत होता है। इसलिए मेरा माना तो इसे जरूर ट्राई करो, क्या पता एक साधारण वीडियो कब वायरल बन जाए। तो दोस्तों कैसा था आज का वीडियो कमेंट बॉक्स से लिख के जरूर भेजिए। वीडियो देख के थोड़ा सा भी मदद मिले अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं और एक नए गैस रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।